हे एवरीवन, क्या बोल रही हूँ, रुक जा, बहुत दिन बाद बोल रही हूँ वीडियो में. हे एवरीवन, आई निकहत परवीन खान वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी. सो एग्जाम्स आर एवलेंचिंग एट अ वेरी हाई पेस, और जितनी तेज़ी से आपके CGPA से प्रीलिम्स के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, आई नो आप सबकी हार्ट बीट्स भी उतनी ही तेज़ हो चुकी होंगी, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपनी तैयारियों को भी उतनी ही स्पीड दे चुके होंगे. आप भी खुद को उस तेज़ी के साथ तैयारियों में झोंक चुके होंगे. फाइन, कंपटीशन कम्युनिटी ने जो पूरी सीरीज़ क्रैश कोर्स की फ्री में चलाई थी यूट्यूब में, हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सबको उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा. अब वक्त है अपनी तैयारियों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पुख्ता करने की. जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की. आप में से कई लोगों ने कई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होंगी, बहुत सारी किताबों के MCQ सॉल्व किए होंगे, और आखिरी मोमेंट में यही सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी तैयारियों को जांचने की और प्रिपरेशन को पुख्ता करने का. फाइन, सो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी इन तैयारियों में हम थोड़ा और कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं एग्ज़ाम्स तक. जो थोड़े बहुत दिन अभी एग्ज़ाम्स में बचे हुए हैं, हर सब्जेक्ट की दो दो चार चार वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं. फाइन विद दैट, तो ये सभी सब्जेक्ट्स में चलाया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होते जाए. जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, खासतौर पे अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो एक मिक्स बैग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल जैसे रियल टाइम एग्जाम में कहीं भी कोई भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपका दिमाग हर जगह स्ट्राइक करना चाहिए, वैसे ही सभी टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं. जैसे कि आज की जो क्लास है, इसमें आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे राजव्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब पॉलिटी के MCQs हैं इसमें, और ये मिक्स बैग है, सभी टॉपिक को कवर करके एक जनरल PSC प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस मैंने रखे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं ऑलरेडी, कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो उन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है. फाइन, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डील नहीं करूँगी. वजह यह है कि अनलाइक FTR, पहले जब मैं FTR चलाता था हम बहुत डिटेल करते थे, उसकी वजह यह थी कि उस टाइम फ्री में कुछ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ आपके पास सभी टॉपिक्स के पूरे पूरे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं. तो इसलिए अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी इर्द गिर्द की और बातें आपको जाननी हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में जो फ्री लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं उन्हें जाकर ज़रूर देखें. यहाँ पर क्वेश्चन ओरिएंटेड जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं हम उसी को डील करेंगे बस. फाइन, तो देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम 100 मार्क्स का पेपर देखते हैं, उसमें अगर आप देखते हैं कि भाई 50 मार्क्स इंडिया GS का होता है, 50 मार्क्स छत्तीसगढ़ GS का होता है, तो जो इंडिया GS का पोर्शन है उसमें हम अगर एज सच देखें तो भाई 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स एंड मिसलिनियस GK. साइंस विल इंक्लूड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट पार्ट. ऐसे करके हम देखें तो फिर ऐसे 10 करीब करीब क्वेश्चंस होते हैं. तो जो मेरे पॉलिटी और हिस्ट्री के वीडियोस होंगे उसमें हम करीब 12-14-15 ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको रियल टाइम में आप उतने क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ऐसा लगेगा, ठीक है. तो आज के भी आज इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिक्स बैग है. आंसर्स मैं यही बताऊंगी क्योंकि ये लाइव नहीं हो रहा, तो जाहिर से बात है आंसर्स बताते जाऊंगी, लेकिन जिस दौरान आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कोशिश करिए कि मेरे आंसर्स बताने से पहले खुद पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आंसर्स करें. टेस्ट योर सेल्फ विद दी सीरीज, इट गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. फाइन विद दैट, क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में होंगे क्योंकि पूरी सीरीज़ हमने हिंदी में ही चलाई थी, लेकिन आपने जैसे देखा एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने इंग्लिश वालों को भी निराश नहीं किया, कोशिश की कि वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स को हम इंग्लिश में भी बताएं. तो क्वेश्चंस जो लिखे रहेंगे हिंदी में होंगे, मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत उसको बता दूंगी ताकि इंग्लिश वाले भी समझ पाएं, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन. संविधान के भाग से संबंधित इनमें से कौन से कथन असत्य हैं, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको असत्य कथन को बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. और ये किससे रिलेटेड है, भाग यानी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, एकदम बेसिक से जा रहे हैं. 4 स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. कॉम्बिनेशन वाले स्टेटमेंट ही, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन ही PSC की फेवरेट है, ऐसे ही ज़्यादातर आ रहे हैं, चाहे वो व्यापम में जो है PSC में हो. तो भाई पहला स्टेटमेंट है भाग 9 ख यानी पार्ट 9B
को 2005 में जोड़ा गया। अब अगर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक एक स्टेटमेंट को देखते जाओ कि वो इंडिविजुअली सही है क्या गलत है, फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से ऑप्शंस में आप कॉम्बिनेशन ढूंढिए। ठीक है, तो मैं पहले रीड आउट कर देती हूँ। पार्ट 9B को 2005 में जोड़ा गया, भाग 7 यानी पार्ट 7 को 7वें संशोधन से हटाया गया, भाग 4 का यानी पार्ट 4A को 44th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, भाग 14 का यानी क का जो भी लिखा है वहाँ पे 14A इसका मतलब इंग्लिश में, को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स, बताएं भाई क्या होगा आंसर। आई होप अब तक आप बता चुके होंगे, खुद से ही सॉल्व करना है। फाइन, तो देखें एक एक को पहले एनालाइज करते हैं। भाग 9 ख यानी पार्ट 9B 2005 में जोड़ा गया क्या भाई, पहले तो ध्यान रखिए 9B क्या है। जब भी पार्ट शेड्यूल आता है सबसे पहले उसका टाइटल दिमाग में आ जाना चाहिए। तो पार्ट 9B क्या था, हमने पूरे याद करे थे 22 भाग, तो उसमें 9B क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों को निश्चित ही बाद में जोड़ा गया, शुरुआत से संविधान के भागों का हिस्सा नहीं थी सहकारी समितियों वाला भाग, बट 2005 में नहीं, इसे 97th अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया, है ना। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। फाइन, तो हमको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मिल गया, हमको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, भाग 7 को 7वें संशोधन से हटाया गया, सही कि गलत, बिल्कुल सही है। पार्ट 7 जो कि ग्रुप बी स्टेट्स के बारे में कुछ बातें बताता था, तो जब 1956 में 7वां संशोधन हुआ, ये 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, तो उसमें क्योंकि पूरे स्टेट को लैंग्वेज बेस पे रिऑर्गेनाइज किया गया था, भाषाई स्तर पे रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था, इसलिए 7वें संशोधन 1956 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूरा राज्यों का ग्रुपिंग सिस्टम हटा दिया गया। और क्योंकि भाग 7 ग्रुप बी स्टेट के बारे में कुछ बातें बताता था, इसलिए पार्ट 7 को भी डिलीट कर दिया गया। जिन लोगों को ये बात जल्दी जल्दी और नई नई सी लग रही है वो जाकर लेक्चर ज़रूर देखें। मैंने कहा मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकती, बट जो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन है बस वही बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टुकड़ा में समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये बिल्कुल सही, 7th अमेंडमेंट 1956 से इसे हटाया गया था, इकलौता भाग है जो हटाया गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है भाग 4 क यानी 4A को 44 संशोधन से जोड़ा गया, ये गलत है क्योंकि पार्ट 4A और 14A दोनों को ना 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से ये दोनों भाग जोड़े गए थे। पार्ट 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और पार्ट 14 है जिसमें अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स हैं, ये दोनों को 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है, बट जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, पहला इनकरेक्ट आ गया, थर्ड इनकरेक्ट आ गया, तो इसलिए आपका आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी, 1 और 3 असत्य है। ठीक, समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, वो किससे रिलेटेड है, प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से। पहला स्टेटमेंट है प्रस्तावना असंशोधनीय है, इंग्लिश वालों के लिए प्रीएम्बल इज नॉन अमेंडेबल। पहला स्टेटमेंट है प्रीएम्बल इज नॉन अमेंडेबल, इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 1 time अमेंडमेंट हुआ है। ये संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख करती है, यानी प्रीएम्बल टेल्स अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे फ्रांस से लिया गया, इट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस। ये 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से करेक्ट है। तो भाई प्रस्तावना असंशोधनीय है, सही कि गलत, गलत। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है, क्योंकि संविधान का भाग मान लिया गया है प्रस्तावना को। केशव नंदा भारती केस के बाद 1973 के बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, इसलिए प्रस्तावना प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सिएबल भी हो गई और संशोधनीय यानी अमेंडेबल भी हो गई। तो अगर हम कह रहे हैं असंशोधनीय तो ये बात गलत है। ठीक, दूसरा, इसमें एक बार संशोधन हुआ है, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। हम जानते हैं कि वो जो 42nd अमेंडमेंट 1976 था
इस अमेंडमेंट के जरिए बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई, तो उनमें से एक चेंज प्रस्तावना में भी हुआ था, जिसमें 3 नए शब्दों को प्रस्तावना के टेक्स्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही, एक ही बार संशोधन हुआ है। तीसरा है, ये संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख करती, बिल्कुल सही। प्रस्तावना के जो 4 तत्व हैं उसमें पहला भारत में जो संविधान का अधिकार का स्रोत है वो बताता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रस्तावना का जो दूसरा तत्व है वो बताता है भारत राज्य की प्रकृति क्या, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तीसरा जो भाग है वो बताता है, मतलब प्रस्तावना के अगर आप पार्ट्स कर दें तो जो थर्ड पार्ट है वो बताता है कि संविधान लिखने के उद्देश्य क्या थे, न्याय, समता, बंधुता, समता। ये जो वर्ड्स हैं, मैंने ऐसे 7 वर्ड्स बताए थे, वो सब क्या थे, संविधान लिखे जाने के उद्देश्य। ठीक है, तो निश्चित ही प्रस्तावना उद्देश्यों की व्याख्या करती, तो ये सही स्टेटमेंट है। इसे फ्रांस से लिया गया, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, बिकॉज प्रस्तावना का जो टेक्स्ट है वो तो हम कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो देश प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू का, उससे इंस्पायर्ड, उस पर आधारित है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना होगी, ये कॉन्सेप्ट हमने अमरीकी संविधान से लिया है, तो फ्रांस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और हमें क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, इससे 2 और 3 सही आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित सही कथनों का चयन करें। अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर आपने मेरा गैर संवैधानिक निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें आपको NHRC के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या कार्य करता है, इसमें सदस्य कितने हैं, कौन उनकी नियुक्ति करता है, सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या है, ये कितने समय तक के लिए रहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगी। अगर आपने देखा होगा तो इसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो बस NHRC से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दें, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। और आप पूरा ना पढ़ के मैं यहीं पे बता देती हूँ कि ये 4 स्टेटमेंट इनके कार्यकाल यानी टर्म से संबंधित हैं। ठीक, जो उसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका सेम ही कार्यकाल होता है, और ये कार्यकाल में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, या तो वो उतने समय तक के लिए पद पर रहेंगे, या अगर उससे पहले उनकी एक पर्टिकुलर एज हो जाती है स्वयं की, रिटायरमेंट एज, तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो जैसे आप संवैधानिक निकायों के लिए पढ़ते ना कि इतने वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु जो भी पहले आ जाए, तो ऐसे ही 4 में आपका दिया हुआ है। आपको बताना है कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या रिटायरमेंट एज या क्या टर्म का कॉम्बिनेशन है, क्या वो 5 साल और 65 वर्ष की आयु है, 6 साल और 65 वर्ष की आयु है, 3 साल और 70 वर्ष की आयु है, या 6 साल या 70 वर्ष की आयु है। बताएं भाई क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा सी। थोड़ा सा कहीं कहीं वर्ड में ना, क्योंकि मैंने उसको टाइप किया खुद, तो कहीं कहीं ऐसा टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करें। तो वे अपने कार्यालय को 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक धारण कर सकते हैं, मतलब उनका टर्म होगा 3 ईयर्स और रिटायरमेंट एज होगी 70 ईयर्स। इससे मतलब अगर 3 साल से पहले वो 70 वर्ष के हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये चीज़ें हाल ही में चेंज हुई है, 1-2 साल ही हुए हैं कि हम देखते हैं। पहले ऐसा था कि NHRC के जो मेंबर्स हैं, भाई आप जानते होंगे ना कि NHRC में एक चेयरमैन होता है, 5 अदर मेंबर्स होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये 6 मेंबर्स होते हैं, 1 अध्यक्ष 5 सदस्य, और सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से नहीं करता, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय दल होता है,
उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों को और अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और आप जानते होंगे कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, तो इसके जो लोग रहते हैं ना, ज़्यादातर जो होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड के रहते हैं। तो अध्यक्ष जो है वो कंपल्सरली कोई ना कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। पहले से व्यवस्था थी कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब रिटायर्ड कोई ना कोई उच्च न्यायाधीश हो, मतलब आपका सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस ही हो। बट अब ऐसा वो सर्वोच्च न्यायाधीश वाली बात को हटा दिया गया, तो चीफ जस्टिस भी हो सकता है, कोई नॉर्मल जज भी हो सकता है, पर वो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, है ना। अध्यक्ष की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसी कुछ बातें हमने पढ़ी थी NHRC में कि इतने सदस्य होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ये होती है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है 6 सदस्यीय टीम की सलाह पर, और ये सभी के सभी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। पहले मतलब अगर आप ओल्ड एडिशन देखेंगे ना कोई भी किताब की, 1-2 साल पहले की, तो आपको पता चलेगा कि 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु था। ये टर्म 5 ईयर्स था, इसे घटाकर 3 ईयर्स किया गया, ठीक है। तो अब ये 3 साल या 70 वर्ष की आयु, क्लियर। तो कंफ्यूज मत होना, तो आंसर है सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाता है तो कितने दिन के भीतर उसे कोई एक सदन चुनना होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है भाई? ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, या मैं कहूँ वैकेंसी ऑफ सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मैंने आपको संसद के टॉपिक्स पढ़ाए थे, आपको याद होगा 2-3 लेक्चर के जरिए हमने संसद पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है ज़रूर जाकर देखें। आपने देखा होगा कि चाहे विधायी प्रक्रिया जो विधानसभा में होती है उसके क्वेश्चंस देख लें आप, या संसद, सबसे ज़्यादा सवाल वहीं से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने संसद पढ़ लिया तो करीब करीब वैसे ही कुछ व्यवस्था जो होती है वो विधानसभा में होती है। तो संसद और विधानसभा, ये टॉपिक्स को आप ज़रूर देखें, खासतौर पर संसद को। तो संसद में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था आपको कि किन हालात में जो सांसद होते हैं उनके पद रिक्त हो सकते हैं। ऐसे मैंने 4-5 कंडीशंस बताई थी। पहले कहा था कि या तो उनकी डेथ हो जाए, या वो इस्तीफा दे दें, ठीक है, या उन्हें हटा दिया जाए, दल बदल निषेध कानून के तहत उन्हें हटा दिया जाए, या वो 60 दिनों तक एब्सेंट रहे तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। और एक आखिरी कंडीशन थी डबल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन 4 जो सदन होते हैं, इन 4 सदनों में से एक ही सदन की एक ही सीट से सदस्य हो सकता है। दोहरी सदस्यता निषेध है, प्रतिषेध है, मना है। मतलब कोई भी इंसान लोकसभा की 2 सीटों पे नहीं हो सकता, लोकसभा राज्यसभा में एक साथ नहीं हो सकता, विधानसभा लोकसभा में एक साथ, मतलब ये 4 सदन है ना, उनमें से आप एक ही सदन का हिस्सा हो सकते हो, और उसकी भी एक ही सीट का। जीते भी तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ती है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करें। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो हमने दोहरी सदस्यता की 4-5 कंडीशंस पढ़े थे, उस पर क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अभी कहीं का मेंबर नहीं है और देश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव हुए और वो दोनों में जीत गया, तो यहाँ पर अभी ये कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा कि उसे लोकसभा का सदस्य बनाना है कि राज्यसभा का। तो उसे कुछ समय दिया जाता है, समय दिया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर डिसाइड करके बताना है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि कितना समय उसे दिया जाता है चुनने के लिए, कि कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाता है तो कितने समय के भीतर उसे एक सदन को चुनना होता है। 14, 10, 30 की 15, बताइए। आंसर है 10, B। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में जीत गया वे व्यक्ति तो उसे 10 दिन के अंदर बताना होगा कि लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है कि राज्यसभा का। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं बता पाता तो अपने आप उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है और चुनाव आयोग उसे लोकसभा की सीट दे देता है, क्योंकि लोकसभा में जनता ने डायरेक्टली उसे चुना है। तो जनता के इलेक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता दे करके राज्यसभा की सीट खाली कर दी जाती है। 10 दिनों के अंदर अगर वो राज्यसभा चुन लेता है तो वो राज्यसभा चला जाएगा, लोकसभा खाली हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो 10 दिन में निर्णय ही नहीं ले पाता, तो अपने आप उसकी राज्यसभा की सीट खाली होकर उसे लोकसभा मिल जाएगी, ठीक है।
थोड़ा सा अगर आपको बीच में से लग रहा है क्ल्यू नहीं मिल रहा है, तो अगेन मैं बोलती हूँ पूरी डिटेल लेक्चर के लिए आप क्रैश कोर्स को रेफर करें। फाइन, तो 10 दिन का समय डिसाइड करने के लिए दिया जाता है, क्लियर है? चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है और ये राष्ट्रपति के महाअभियोग से रिलेटेड है, यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें जितने स्टेटमेंट है उनमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, असत्य कथन को पहचानना है। अगर आपने महाभियोग की प्रक्रिया अच्छे से, मैंने जो 6-7 स्टेप्स में पढ़ाई थी, समझे होंगे तो आंसर जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन है, महाभियोग के आरोप लोकसभा से प्रारंभ होंगे, सही है कि गलत है? क्या इम्पीचमेंट का जो आरोप होता है वो लोकसभा से स्टार्ट होता है? गलत, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहते हैं उसे आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो सिर्फ लोकसभा में होंगे ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। दूसरा है, महाभियोग पारित करने के लिए लोकसभा का 2/3 तथा राज्यसभा का सामान्य बहुमत होना चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये भी गलत, क्योंकि महाभियोग पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में, अगर वो राष्ट्रपति का महाभियोग है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कुल सदस्य का 2/3 ऑफ टोटल, लोकसभा में जो 545 सदस्य हैं उनके 2/3 हमको बहुमत चाहिए और राज्यसभा में जो 245 सदस्य उनका 2/3 हमको बहुमत चाहिए, दोनों सदनों में कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाके अभियोग पारित होगा। ऐसे एक में 2/3 और दूसरे में सामान्य, ऐसी वाली बात नहीं, ठीक है? तो ये भी गलत है। तीसरा है, महाभियोग के दौरान संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ये तो बड़ा बेतुका सा स्टेटमेंट है। अगर हम संसद भाग लेती है कहते हैं, महाभियोग हम जानते हैं संसद में ही होता है, तो संसद में अगर होता है तो निर्वाचित मनोनीत, मतलब निर्वाचित लोग तो लेंगे ही, और महाभियोग में क्लॉज है कि मनोनीत लोग भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते थे, मतलब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते थे, पर महाभियोग में ये नॉमिनेटेड मनोनीत लोग भी हिस्सा लेंगे। तो इस हिसाब से अगर बोल रहा है कि मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है? और आप देखें क्वेश्चन में आपको असत्य कथन यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताने को कहा है, तो हमको तो अभी तक के शुरू के तीनों ही इनकरेक्ट मिल गए। 14 देखें, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग नहीं ले सकते, ये सही है भाई? महाभियोग का जो प्रोसेस है वो तो सिर्फ संसद में होता है ना, तो उसमें विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती, भले विधानसभा प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है पर एमएलए लोग जो हैं वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये वही कह रहा है कि नहीं करते, तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, चौथा सही, और हमको इनकरेक्ट बताना है तो ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3 असत्य है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं, धन विधेयक के विषय में क्या सही है? मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मनी बिल जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में है, मैंने संसद वाले टॉपिक में इसे डिटेल में बताया, इसे बताया है, फाइनेंस बिल को बताया है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और ये भी बताया है कि साधारण विधेयक से धन विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस प्रकार से अलग है, ठीक है? तो धन विधेयक से रिलेटेड, उसे पास करने की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सही जो है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ये केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, मतलब मनी बिल सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, सही है या गलत? सही है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये दोनों ही प्रकार के, स्पेशली जो फाइनेंस से रिलेटेड विधेयक हैं इसके लिए क्लॉज है कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, यदि लोकसभा विघटित लिखा है, यदि लोकसभा विघटित हो तो ये राज्यसभा में भी पुरस्थापित किया जा सकता है, मतलब अगर ऐसा सत्र चल रहा हो पर लोकसभा नहीं हो, लोकसभा का सत्र ना हो, राज्यसभा हो उस वक्त, तो क्या राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, किसी भी कंडीशन में हम राज्यसभा में मनी बिल नहीं ला सकते, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा,
राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा कैन डिटेन द मनी बिल फॉर 14 डेज। सही या गलत? सही। समान विधेयक के केस में राज्यसभा के पास 6 महीने का वक्त रहता है बिल पर निर्णय लेने के लिए, लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो इस केस में राज्यसभा के पास 14 दिनों का समय रहता है। बस 14 दिनों के अंदर या तो वो पास कर दे, या तो कुछ संशोधन सजेस्ट कर दे, या तो वो फेल कर दे। लेकिन हम जानते हैं कि राज्यसभा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता धन विधेयक के ऊपर। अगर वो ऐसा कुछ भी करती है और फाइनली वो बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाता, तब भी बिल को पास ही मान लिया जाएगा। यदि 14 दिन गुजर जाते तो वह राष्ट्रपति को फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से सही है स्टेटमेंट, रख सकती है। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट सर्टिफाइज द मनी बिल। सही या गलत? गलत है। अभी अभी एक दो एग्जाम्स में मैंने देखा एक क्वेश्चन आया था, हु सर्टिफाइज द मनी बिल, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। भाई वही वाला ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रपति धन विधेयक को प्रमाणित करता है, ये गलत है। अगर धन विधेयक पास करने की प्रक्रिया को आप देखेंगे तो मैंने साफ तौर पे बताया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वही फाइनली डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल, वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक, यही डिसाइड करता है। तो प्रमाणित यही करता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और आखिरी है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। निश्चित तौर पर हम ये तो जानते हैं कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स इस तरह से नहीं है कि वो अगर कोई डिसीजन ले तो वो अड़ जाए, तो जॉइंट सेशन हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जब राज्यसभा के पास मनी बिल लोकसभा से होकर आता है, लोकसभा से पास होकर आता है 14 दिनों के लिए, तो राज्यसभा चाहे तो उसमें कुछ संशोधन की अनुशंसा कर सकती है लोकसभा के पास। लोकसभा को यदि लगता है कि राज्यसभा की जो अनुशंसा है वो मानने योग्य है तो वो कर देगी, लेकिन नहीं लगता उसे तो वैसे के वैसे वापस कर देगी। तो मतलब रिकमेंडेशन तो कर सकती है ना राज्यसभा, माने ना माने बात की बात है, लोकसभा माने ना माने, पर रिकमेंडेशन तो कर सकती है संशोधन की। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और हमको सही स्टेटमेंट बताना है तो हमारे पहला आया, तीसरा आया, पांचवा आया, कौन सा मैच हो रहा है? सी हो रहा है, 1, 3 and 5, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। चलो क्वेश्चन 7 में मूव ऑन करते हैं। किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? देखो, संसद का जो सेकेंड वाला लेक्चर है ना फ्री क्रैश कोर्स में, उसमें मैंने आपको बहुमत के प्रकार बताए, ठीक है। उसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे, हालांकि अभी तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आ रहे हैं, बहुमत के प्रकार को अच्छे से समझिए उसमें से जाके। जितने क्वेश्चन आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए, वो इसी से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अभी अभी कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने दिया होगा क्वेश्चन पेपर, देखे होंगे, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लें। बहुमत के प्रकार अच्छे से समझना, 2/3 बहुमत जहाँ पर भी बोलता है। तो मैंने विशेष बहुमत समझाते वक्त जो सेकेंड टाइप का आपको विशेष बहुमत बताया था, जिसमें मौजूदा सदस्यों का 2/3, यानी जो लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं, प्रेजेंट इन वोटिंग, उनका 2/3 प्लस जो टोटल हैं, कुल जितने सदस्य हैं, उनका मोर देन 50% कुल सदस्यों का 50% से अधिक और मौजूदा और वोट डालने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3, इन दोनों में से जो भी बड़ा आंकड़ा हो, या मैं कहूँ ऐसा कोई आंकड़ा ये जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, हम बहुमत का आंकड़ा उसे ही रखते हैं। और इसी तरह के इस विशेष बहुमत को ही हम 2/3 बहुमत सामान्य तौर पे बोलते हैं। 2/3 बहुमत बोला गया मतलब ये वाला बहुमत बोला गया, ठीक है। कि मान लीजिए अगर कुल सदस्यता किसी सदन की 150 है टोटल, और किसी दिन वोट डालने के लिए आए हैं 100 लोग, 100 के 100 लोग वोट डाल रहे हैं, तो प्रेजेंट इन वोटिंग हो जाएंगे 100, 150 टोटल सीट है, आए हैं 100 लोग, तो प्रेजेंट और वोट डालने वाले 100 और टोटल 150, तो भाई टोटल 150 का 50% से अधिक, इसका मतलब 76, और प्रेजेंट इन वोटिंग कितने 100, इसका 2/3, तो 100 का 2/3 कितना 66.7, मतलब 67, है ना। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से इस एग्जांपल में 76
बहुमत आ रहा है, और इस क्राइटेरिया के हिसाब से 67। हमको इन दोनों में से कोई एक ऐसा आंकड़ा चुनना है बहुमत का जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम 67 चूज़ करते हैं तो निश्चित ही तौर पर ये मौजूदा सदस्यों का दो तिहाई है, लेकिन कुल सदस्यों का 50% से अधिक तो नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं चूज़ कर सकते। मैंने कहा ना एक ऐसा आंकड़ा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। पर अगर हम 76 का आंकड़ा रखते हैं बहुमत का, तो वो मौजूदा सदस्य यानी 100 का दो तिहाई से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है, और टोटल 150 का 50% से भी ज़्यादा है ना। तो इस तरह से 76 का जो आंकड़ा है वो हम रख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया इसको समझाने का, और ये मैंने ऑलरेडी उस लेक्चर में डिटेल में समझाया है, अभी नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के ये वाला जो बहुमत होता है विशेष बहुमत, इसी से बहुत सारे स्पेशल टाइप के विधेयक पारित होते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है ना, तो भी यही वाला बहुमत चाहिए रहता है दो तिहाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यही वाला बहुमत चाहिए रहता है दो तिहाई जब संसद में होता है। उसके अलावा अगर आपको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, या फिर आपको भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो यही वाला दो तिहाई बहुमत चाहिए रहता है। तो ये दो तिहाई बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट वाले मुद्दों पर यूज़ होता है। इसमें ये पूछ रहा है, और ये दो तिहाई बहुमत सिर्फ संसद में नहीं, स्टेट में भी कुछ कुछ बिल्स पे होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यही वाला बहुमत स्टेट में इनमें से किस में यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प, मतलब अगर मान लीजिए किसी स्टेट में विधान परिषद की स्थापना हो रही है, तो राज्य में जो बहुमत आएगा विधानसभा में वो किस प्रकार का चाहिए होगा। तो भाई ये सही स्टेटमेंट है, इसमें तो 2/3 चाहिए ही, ये आर्टिकल 169 से रिलेटेड है, ठीक है। इसको समझो मैं क्या बता रही हूँ। आर्टिकल 169 बोलता है कि राज्यों में वैसे तो द्विसदनीय प्रणाली है, पर ये वैकल्पिक है। हम जानते हैं ना कि स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि उच्च सदन यानी विधान परिषद हो, कुछ राज्यों में है कुछ राज्यों में नहीं है। भारत में केवल वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जानते हैं ना। तो आर्टिकल 169 बोलता है कि संसद के पास ये पावर है कि वो किसी राज्य में नई विधान परिषद को बना सके या मौजूदा विधान परिषद को हटा सके। तो मान लो उत्तर प्रदेश में कोई विधान परिषद है, अभी हम जानते हैं उसे हटाना है, तो वो भी संसद हटाएगी आर्टिकल 169 के तहत। मान लो कल को छत्तीसगढ़ में नई विधान परिषद बनाना है, तो वो भी आर्टिकल 169 के तहत संसद ही बनाएगी। और इसी आर्टिकल में ये भी बोलता है कि ऐसा है कि मान लो यहाँ पे अगर हमको विधान परिषद बनाना है, तो यहाँ की विधानसभा में यहाँ पे विधान परिषद बनाने का एक विधेयक आएगा, और अगर वो विधेयक यहाँ की विधानसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो वो यहाँ से पारित करार माना जाएगा, फिर उसे संसद में पेश किया जाएगा, और अगर वहाँ पारित होता है तब यहाँ पे विधान परिषद बनेगी। मतलब इसे एक चीज़ जो साफ हो रही 169 से, वो ये कि जब नई विधान परिषद के गठन का विधेयक राज्य विधानसभा में आता है, तो उसे 2/3 बहुमत से पारित करना ज़रूरी होता है ना। तो ये पहला ही वाले में हमको आंसर मिल गया, लेकिन हम बाकी को भी सेफ साइड रहने के लिए चेक करते हैं कि बाकी और ऐसा तो कोई नहीं जो 2/3 बहुमत से होता है। संविधान संशोधन विधेयक, नहीं भाई, राज्य विधानसभा में संविधान का संशोधन ही नहीं होता ना, तो संसद में होता है, इसलिए रॉन्ग है। राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधेयक, आर्टिकल 201 में जब राष्ट्रपति कोई से स्टेट वाला विधेयक जब गवर्नर ने राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया, तो राष्ट्रपति राज्य के पास भी वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास राज्य के विधेयकों के लिए भी निलंबनकारी वीटो होता है। पढ़ा था हमने, याद है, गवर्नर वाला चैप्टर रेफर करना, गवर्नर वाला लेक्चर रेफर करना, जिसमें मैंने आर्टिकल 201 में बताई थी कि जब गवर्नर राज्य की किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित करता है या फॉरवर्ड करता है, तो राष्ट्रपति भी अपनी वीटो शक्ति राज्य के विधेयकों के लिए यूज़ कर सकता है। तो उसमें ना वो एक अपना निलंबनकारी वीटो भी यूज़ कर सकता है। तो जब निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति यूज़ करता है, तो विधानसभा में बिल्कुल वापस भेजता है। तो ये पूछ रहा है तो कि क्या उस टाइम विधानसभा जब वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो क्या 2/3 बहुमत से पास करके भेजती है? नहीं, साधारण बहुमत से पास करके भेजती है। इसलिए ये भी गलत स्टेटमेंट, इसमें भी साधारण बहुमत यूज होता है। संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक, ये भी गलत है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादातर में साधारण बहुमत ही यूज होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। क्लियर, समझ में आया? बहुमत से बहुत क्वेश्चन आए हैं,
मैं फिर दोहराती हूँ उस लेक्चर को जहाँ मैंने संसद पार्ट टू में बहुमत के प्रकार बताए, ज़रूर जाके देखें, कुछ डाउट्स हो तो पूछें। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो वक्त की कमी की वजह से मैं और नहीं बता पाई, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे डालते हैं रेलिवेंट तो मैं शायद उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकती हूँ। तो उस क्वेश्चन को या मैं कहूँ उस सेक्शन को ज़रूर देखें, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 50 है तो गणपूर्ति कितनी होगी। क्वेश्चन कोरम से है और वो भी कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। कोरम लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला है कि टोटल 50 मेंबर्स हैं तो उसके लिए कितना रिक्वायर्ड कोरम होगा। कोरम हम जानते हैं दिन की मीटिंग स्टार्ट करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कितने न्यूनतम संख्या चाहिए, और वैसे स्टेट विधानसभा में सदस्यों की कितनी न्यूनतम संख्या चाहिए, उसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी आया है एग्जाम में आपकी, उसी से मैंने लिया है। तो क्वेश्चन है आपका कि विधानसभा में अगर कहीं भी कुल सदस्य 50 हैं और तो कोरम कितना चाहिए। तो आप जानते हैं चाहे कि सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कोरम का रेशियो है 1/10 ऑफ टोटल। तो जितनी टोटल सीटें हैं अगर उनके 1/10 लोग आए हैं, मौजूद हैं, तो गणपूर्ति हो जाती है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ऐसा है कि 50 का हम 1/10 करेंगे तो 10 आता है आंसर, है ना। तो कई लोगों ने 10 लगाया होगा बट ये गलत है, क्योंकि ये बात विधानसभा की आ रही है। तो विधानसभा में एक और क्लॉज जुड़ा हुआ है, इन एडिशन टू 1/10 क्राइटेरिया एक और क्लॉज जुड़ा हुआ है कि या तो 10 या 1/10, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, जो भी बड़ा हो। मतलब अगर 1/10 का आंकड़ा 10 से कम आता है, सॉरी ये 5 आएगा ना, सॉरी ये 5 आता है ना, मेरे दिमाग में वही आ रहा था, मुझे दिमाग में सीधा आंसर आ गया था, फाइन। तो ये 10 5 50, तो ये 5 आना चाहिए इसका आंसर। इस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ कि विधानसभा में ऐसा है कि या तो 10 या तो 1/10, उसमें से जो भी आंकड़ा बड़ा हो। अब अगर हम 50 का 1/10 करते हैं तो 5 आता है, और ये 10 से कम है आंकड़ा। तो अगर कोई भी आंकड़ा 10 से कम आता है तो आपको कम से कम 10 लेना है, समझ रहे चीज़ को। मतलब उस सदन में 50 की कुल संख्या है, कोरम के लिए कहा है या तो 10 या तो 1/10, 50 का 1/10 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 लोगों में मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। या तो 10 का मतलब है कि अगर आंकड़ा 5 से कम आता है 1/10 का, तो आपको कम से कम 10 रखना पड़ेगा, तो 10 ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कल को छत्तीसगढ़ है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 90 लोग हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में कोरम कितना होगा, हम क्या करते हैं 1/10 कर देते हैं, तो 90 का 1/10 9 हो जाता है। तो हम कहेंगे 9 लोगों में यहाँ पे कोरम हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी 10 चाहिए कम से कम, क्योंकि आंकड़ा 10 से कम है, समझ में आई बात। तो आंसर 5 नहीं होगा, 10 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, तो ध्यान में रखना इसको, 10 या 1/10 जो भी बड़ा आंकड़ा हो विधानसभा से रिलेटेड खास तौर पे, ठीक है ना। तो आंसर बी होगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगेन आपको असत्य कथन बताना है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्शन कमीशन, उसमें भी खास तौर पे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है, पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में जो चुनाव आयोग की बात कही गई, उसमें जो मुख्य निर्वाचन आयोग आयुक्त हैं उनसे रिलेटेड कुछ, उनकी पद से संबंधित कुछ वक्तव्य आपको उसमें से असत्य वाला बताना है, ठीक है। तो पहला एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही कि गलत। सही है, 6 ईयर टर्म होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। देखो भले ही बहुमत का आंकड़ा थोड़ा राष्ट्रपति के महाभियोग से कम होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए रहता है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए रहता है। इनको हटाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो जो ऐसे अभी अभी मैंने वो विधानसभा वाला 2/3 बहुमत जो समझाया था ना, 150 वाला एग्जाम्पल लेके, सेम वही वाले बहुमत से इनको हटाया जाता है। तो आंकड़ा थोड़ा सा राष्ट्रपति के महाभियोग से थोड़ा कम होता है, पर हाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, है ना। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही, हमको इनकरेक्ट, तो अभी तक तो हमको आंसर नहीं मिला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब उनका पद राष्ट्रपति के प्लेजर पर होता है क्या,
नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद यानी कि पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा दे अपनी मर्जी से। ऐसा हो सकता है क्या? जब हम एक तरफ पढ़ रहे हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया उससे हटते हैं, मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहते, नहीं ये भी बिल्कुल बेतुका स्टेटमेंट है, गलत है। ना तो राष्ट्रपति ना राज्यपाल किसी के प्रसाद पर इनका पद नहीं होता। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है क्योंकि इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा वैसी ही मिली हुई है जैसे राष्ट्रपति को, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, जैसे महालेखा अधीक्षक यानी कि कैग को, है ना। इन सभी को सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस या कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी होगी। इनमें से कहीं पर भी अगर आपको आता है कि इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। क्लियर? तो थर्ड फोर्थ गलत है, हमें आंसर मिल गया कौन सा है, डी, थ्री एंड फोर्थ, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। चलो क्वेश्चन 10 पे मूव ऑन करते हैं। आपको अगेन करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, सत्य कथन पहचाने, और ये जो है ना कैग से रिलेटेड है। अभी जो मैं कह रही थी कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। इनमें से एक ही सही होगा, आपको बताना है कौन सा। ईजी क्वेश्चन है, जो आंसर है ना वो बड़ा ईजी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद की स्थापना अनुच्छेद 248 से हुई है, सही कि गलत? गलत, क्योंकि 148 में 148 में है ना, तीस स्टेट में गलत है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही। केंद्रीय स्तर के जितने बड़े संवैधानिक पद है ना, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, तो कैग की भी की जाती, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष होता है, गलत है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अपना पद छोड़ने के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार को कोई और पद का कोई और पद धारण कर सकते हैं, लिखा है गलत, धारण नहीं कर सकते, यानी कि रिटायर होने के बाद या टर्म खत्म होने के बाद ये कोई और पोस्ट कोई और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, और इसमें लिखा है कर सकते हैं, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमें हमारा आंसर मिल गया बी, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज इट, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता के ऊपर क्वेश्चन है, को वकालत या न्यायिक सेवा का कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? जो राज्यों में एडवोकेट जनरल्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि उन्हें एक वकालत या एडवोकेसी का या किसी न्यायिक या वैधानिक पद पर रहने का कितने वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। तो भाई हम जानते हैं कि ये जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, सेंटर लेवल पर जो अटर्नी जनरल होता है और स्टेट लेवल पर जो एडवोकेट जनरल होता है, ये कोई ना कोई लॉ बैकग्राउंड के लोग होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है, पढ़े हमने से, और बिल्कुल ऐसी स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता, उसकी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के जजेस की होती है, यही लिखा रहता है। तो महाधिवक्ता की क्वालिफिकेशन वही जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की, और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की अगर क्वालिफिकेशन हम देखें कि कितने वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए उसे, तो हम कहते हैं उसे 10 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए या तो आप किसी लीगल पद पर 10 वर्ष के लिए रहे हो, या आपने कम से कम 10 वर्ष के लिए वकालत की हो, तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, पढ़ाए थे ना। तो आप हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन याद रखिए तो एडवोकेट जनरल की याद रहेगी, तो आंसर विल बी ए, 10, ठीक है, क्लियर, फाइन। क्वेश्चन 12 पे मूव करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखो टाइम की कमी की वजह से मैंने कुछ कुछ छोटे 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 टॉपिक्स नहीं पढ़ाए, जिनमें से एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी था, और उसी से मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया ताकि इसे भी मैं थोड़ा टच कर दूँ क्वेश्चन के जरिए, क्योंकि उसमें जो ज़रूरी पार्ट है वो यही है जो क्वेश्चन के अधीन मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊँगी, बस उतने पर ध्यान दीजिएगा। तो 75 में
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक्चुअली में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अंडर आपका कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, मतलब तीन तरह के मंत्रियों को मिलाकर हम मंत्री परिषद बोलते हैं। तो कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद का हिस्सा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, स्टेट मिनिस्टर आएंगे और डिप्टी मिनिस्टर्स आएंगे। तो उनके ही बारे में दो आर्टिकल्स हैं, 74 और 75। 74 ये कहता है कि केंद्र में, सेंटर में राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होगा जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो 74 बस इनका उल्लेख करता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद होगा जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, 74 कहता है। फिर 75 ना इसी मंत्री परिषद के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। 6 स्टेटमेंट्स आते हैं, नियुक्ति, पद, कार्यकाल और बहुत सारी। और 75 से ही रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो कुछ सही होंगे, कुछ गलत है और कॉम्बिनेशन में आपको आंसर है। तो ऐसा है कि 75 क्या क्या कहता है, पहले सुन लो गौर से। पहला ये कहता है 75 कि जिस मंत्री परिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है, उस मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और ये भी कहता है आर्टिकल 75 का पहला क्लॉज कि उन मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 75 में ही ये चीज़ 91st अमेंडमेंट से जोड़ी गई है कि केंद्रीय मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब 80-82 मंत्री बस हो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में मिला करके मंत्रियों की संख्या 80-82 से ऊपर नहीं हो सकती। क्योंकि लोकसभा का अगर आप देखें 545 कुल सीटें, उसका अगर आप 15% लेंगे तो वो 80-82 के करीब कुछ आंकड़ा आएगा, है ना। तो एक तो ये क्लॉज है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और उनकी संख्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा है कि प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा। तीसरा है कि उन सभी मंत्रियों का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, यानी राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री के कहने पर उन्हें हटा दे, ठीक है। चौथा, ये सभी के सभी मंत्री जो हैं ये लोकसभा की ओर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा की तरफ, ठीक है। पांचवा क्लॉज है आपका कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो या तो वो सांसद हो पहले से लोकसभा या राज्यसभा का, और अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सांसद बनना पड़ेगा। और छठवा और आखिरी क्लॉज बनता है उसके अंदर है 75 के अंदर कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो लोकसभा वाले हों चाहे राज्यसभा वाले हों, उन सभी के जो वेतन भत्ते हैं ना वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। थोड़ा सा रिवर्स करके भी सुन सकते हो, अपलोडेड लेक्चर है। ये 6 क्लॉजेस हैं आर्टिकल 75 के, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होगा, ठीक। उसके अलावा वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और यदि व्यक्ति मंत्री बनते वक्त सांसद नहीं तो 6 महीने के अंदर सांसद बनना होगा, ठीक है। अब इनमें से कौन से इसमें हैं देखते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा, सही है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद, बिल्कुल सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, नहीं ऐसा कोई भी क्लॉज आर्टिकल 75 में नहीं है, ठीक है। बस वो 6 बातें जो ध्यान में रखेंगे, ये 3 और अगर उनमें से कोई आ गया तो वो है। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 सुमेलित है, आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए अर्हता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्टी, आप जानते हैं ना भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन में स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें से नेशनल पार्टी वाला मैं आज आपको इस क्वेश्चन के ज़रिए बता रही हूँ।
कि कोई भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है। उसे कुछ परफॉर्मेंस करना होगा, मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरी कोई पार्टी है और मैं नेशनल पार्टी का दर्जा उसे दिलाना चाहती हूँ, तो जो भी चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उसमें सीट कुछ निश्चित आधार पर सीट या कुछ निश्चित वोट मुझे जीतने होंगे, तभी जाके मुझे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतनी होंगी या काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिलने। लोकसभा का चुनाव हुआ तो दो चीज़ों पे आपकी चीज़ आंकी जाती है, आपको कितनी सीट मिली लोकसभा पे, या फिर जितने टोटल वोट्स हुए उनमें कितने परसेंट वोट आपको मिले। ठीक है, तो इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने एक मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया कि कम से कम या तो इतनी सीटें मिली हों या तो कम से कम इतने वोट मिले हों, तभी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल होगा। तो ये जो भारत में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इन 2-3 में से कोई एक क्राइटेरिया ज़रूर पूरा किया होगा, तभी उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल है। ठीक है, तो भाई ऐसे 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 क्राइटेरियाज। इसका आंसर मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, ऑप्शन डी आंसर है इसका। एक्चुअली में ये क्वेश्चन को लाने का मकसद समझाना था, इसलिए आंसर में डायरेक्टली ला देती हूँ। उपरोक्त सभी, मतलब वो जो मैं 3 क्राइटेरियाज बता रही हूँ ना, वो एक्चुअली में पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ही है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट, इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर पार्टी पूरा करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ईजी है थर्ड वाला। अगर उस पार्टी ने 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल की है, आप एक बार सर्च करें, इवन कुछ और आपको मेरे एमसीक्यूज में भी मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए भी 4-5 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसे किसी राज्य में, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, ठीक है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस, या कहीं पर आम आदमी पार्टी, शिवसेना, ये सब आप जानते हैं ना स्टेट पार्टीज हैं, उन्होंने ना स्टेट पार्टीज़ का दर्जा हासिल कर रखा है। हमारे यहाँ जो जनता कांग्रेस है उसे स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल है। ठीक है, तो स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा है इलेक्शन कमीशन ने, उन लोगों ने उसको पूरा कर लिया तो स्टेट पार्टी या राज्य के दल का दर्जा मिल गया। तो अगर ऐसी कोई पार्टी है जिसे कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, तो या तो ये क्राइटेरिया हो, या फिर एक क्राइटेरिया आपका सीट के आधार पर है, सीट के आधार पर, और एक सीट और वोट के आधार पर। तो ये वाला जो आप क्राइटेरिया देख रहे हैं ना, ये सीट के आधार पर है, सीट के आधार पर, कि अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव में उस पार्टी ने कुल सीटों का 2% सीट हासिल कर ली, 2% सीट। अब लोकसभा चुनाव में मान लीजिए 545 सीटें हैं, उसका अगर आप 2% लोगे तो 10 point something, मतलब 11 सीट। तो लोकसभा में 550 में से अगर किसी पार्टी ने 11 सीट, 11 को याद रखना है, एक्चुअली मैं 2% क्राइटेरिया, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो लोकसभा में 545 सीटें, उसमें अगर 2% लोगे तो करीब 11 सीट आ जाएगी। अगर कोई पार्टी ने लोकसभा चुनाव में लोकसभा में 11 सीटें जीत ली, 11 सीटें जीत ली, लेकिन वो किसी एक राज्य से नहीं, भाई उत्तर प्रदेश से अकेले लोकसभा में 80 सीटें जाती है लोकसभा में, तो ऐसा नहीं कि वहां की कोई लोकल पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से 11 सीटें ले आई लोकसभा में। लोकसभा में जैसे छत्तीसगढ़ से 11 सीटें, वैसे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ ही सुन लो, मान लो छत्तीसगढ़ से कल को जनता कांग्रेस जो है यहाँ पे 11 सीटें जाती ना यहाँ से लोकसभा में, अब वो 11 सीटों पे पूरे अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए और 11 की 11 जीत जाते हैं, मतलब लोकसभा में 11 सीटें उनकी हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही राज्य से उनकी 11 सीटें हैं। तो ऐसे में नेशनल पार्टी का दर्जा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये समझ में आ रहा है कि उनका दबदबा सिर्फ एक राज्य में, भली बुरी की पूरी 11 सीट जीत ली उन लोगों ने, पर एक राज्य में। इसमें क्राइटेरिया है कि ठीक है 2% सीट जीतना है, सीट के आधार पर है, लेकिन कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से जीते, मतलब कहीं से 2, मान लो छत्तीसगढ़ से 2 जीती, मध्य प्रदेश से 3 जीती, ऐसा करके कम से कम 3 राज्यों से मिलाकर कि अगर किसी पार्टी ने लोकसभा में 11 सीटें यानी 2% सीटें जीती है तब भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो या तो ये, या तो ये, या तो ये, ये वाला जो पहला क्राइटेरिया है ना, ये वोट प्लस सीट दोनों के आधार पर, वोट प्लस सीट मतलब
मैंने इतना तो बोल दी कि 2% सीट, मान लो 2% के हिसाब से हमारा आंकड़ा आ रहा था 11। अगर किसी पार्टी को 11 सीट नहीं मिल रही, 11 से कम सीट मिल रही है, 11 से कम सीट मिल रही है, तब भी एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे वो नेशनल पार्टी बन सकती है। इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रही समझना कि या तो वो आउटराइटली 11 सीटें जीत ले कम से कम 3 राज्यों से मिला के, 11 सीट नहीं मिली, थोड़ी कम मिली, और कितनी कम वो भी बताऊंगी मैं। तो 11 सीटों के साथ साथ कुछ वोट में भी कमाल दिखाए, वो वोट परसेंट भी उसको कुछ ज़्यादा मिले, तो कॉम्बिनेशन अगर उसका एक क्राइटेरिया में फिट बैठता है तब भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया जिसमें कहा गया कि अगर उसे विधानसभा आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% या किसी राज्य राज्य में लोकसभा की 4 सीटें, तो यहाँ पे ना सिंपल इस लाइन को मैं बता दे रही हूँ, या तो उसने 4 सीट जीती हो, यहाँ पे 11 सीट का आंकड़ा आ रहा था ना 2% के हिसाब से, नहीं जीती 11, मान लो 5 जीती, 6 जीती, 7 जीती, 11 से कम जीती, पर कम से कम 4 जीती हो लोकसभा में, ठीक है, तो कम से कम उसने 4 सीटें जीती हो, प्लस जितनी टोटल वोटिंग हुई है ना उसमें से कम 6% वोट उसको मिले। भारत में जितने लोकसभा चुनाव में टोटल वोट्स डले उसे कम से कम 6% वोट उस पार्टी के मिले हो, वो भी एक ही राज्य से नहीं, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ से ही टोटल, मान लीजिए इंडिया में जितनी वोटिंग हुई उसमें अकेले मान लो 10% छत्तीसगढ़ में से होती मान लो, और उसमें से 6% जो लोग हैं वो एक ही पार्टी को दे देते, तो ऐसा नहीं, ये 6% वोटिंग भी कम से कम 4 अलग अलग राज्यों की वोटिंग मिला के होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए 2% छत्तीसगढ़ से, 2% मध्य प्रदेश से, 2% वेस्ट बंगाल से, ऐसे करके अगर मान लीजिए 6% वोट्स उसे मिले हैं 4 अलग अलग राज्यों से, एक तो ये, प्लस इन सब के बाद वोट परसेंट हासिल करने के बाद 4 सीटें भी लोकसभा में जीती है अगर किसी पार्टी ने, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है तब भी उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो ये होगा जो सीट और वोट के आधार पर, या तो अकेले वो 11 सीटें ले या 2% सीट, या फिर वो किसी कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी हो, इधर और वाली बात है, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया होगा तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो समझ में आई बात, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया अच्छे से ध्यान रखना, सबसे 8 नेशनल पार्टीज हैं और इस क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव है, ठीक। चलिए तो मूव ऑन करते हैं हम आज लास्ट क्वेश्चन पर। प्रधान तालिका के अनुसार निम्न को व्यवस्थित करें, ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम के ऊपर है। हम जानते हैं ना भारत में जितने संवैधानिक पद हैं केंद्रीय और राज्य स्तर के, उनको वरीयता दी गई है जिसमें राष्ट्रपति रैंक 1 में आता है ना, तो उसी वरीयता क्रम को मैंने आपको हमेशा कई बार बताया लेक्चर्स के दौरान भी कि कम से कम 8-10 रैंक तक जितने पद हैं ना उनको ज़रूर याद कर लेना, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अगर आपको 8-10 रैंक तक याद होगा तब आप इसे आराम से बना लेंगे। तो भाई देखते हैं, तो ऐसा है कि इसको एनालिसिस करने के लिए बताया है कि क्रम से जमा है, मतलब पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, है ना, तो उस हिसाब से बताइए, साइंस को इग्नोर करें, पहले दूसरा तीसरा चौथा आपको ऐसा बताना है। तो पहले तो मैं थोड़ा इजी करने के लिए लिख देती हूँ, रैंक 1 में आता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है, सेकेंड रैंक में आता है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, थर्ड रैंक में आता है प्राइम मिनिस्टर, चौथे रैंक में आते हैं राज्यपाल अपने ही राज्यों के अंतर, गवर्नर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, पांचवें रैंक में आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो पुराने प्रेसिडेंट थे ना, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे वो, छठवें रैंक में आते हैं भारत का चीफ जस्टिस और लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, सातवें रैंक में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से मंत्री, जो कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष एक ही रैंक पे हैं, और 7 में कैबिनेट मंत्री, और भी 5-6 लोग आते हैं 7th रैंक में, 7th में भारत रत्न बॉडीज आते हैं, तो आप ऐसे 8-10 करके ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो इस रैंक में हम जांचते हैं, प्रधानमंत्री क्या है इसका रैंक, रैंक 3 है, उपराष्ट्रपति का रैंक क्या है, 2 है, लोकसभा अध्यक्ष का रैंक क्या है, 6, कैबिनेट मंत्री का रैंक क्या है, 7 है। तो मतलब सबसे पहले 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए,
फिर चार आ जाए, 2 1 3 4, कौन सा आ रहा है, बैठ रहा है आंसर सही, ये वाला ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 1 3 4, तो इसे भी जरूर देखें। देखिए बीच बीच में मैं ऐसे कई सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के जरिए भी बताऊंगी अगली जो क्लास है उसमें भी, जहाँ पे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी और मैंने कहा था ये फैक्चुअल चीज़ें उन्हें देख जरूर लीजिएगा, जैसे केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची, जैसे ये वरीयता क्रम, जैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, या फिर जैसे संविधान के मूलभूत ढांचे के जो तत्व हैं उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सिर्फ रटने की बात होती है लेकिन क्वेश्चंस तो बनते हैं उस पे से भी, ठीक है। तो आंसर इसका होगा बी। और आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पॉलिटी से एक पेपर में, और ये पूरा मिक्स बैग था जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें से भी और कुछ नई भी चीज़ें थी। बिल्कुल ऐसा एक सेशन मैं अगली क्लास में भी लेके आऊँगी जिससे पॉलिटी के मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।